हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आज हम लोग जा रहे हैं लेटेस्ट शॉप का जो आईफोन 11 का गिव अवे था, जिसका लाइव विनर हमने चूज किया था ना लाइव आके थोड़े दिन पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा लाइव वाला, तो यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आपने देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे ये जो मेरा सोनी का कैमरा का बैग है, इसमें मैं उनका आईफोन रखता हूँ। बाकी सब आईफोन इधर उधर पड़े रहे, दूसरे की अमानत है, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा। और काफ़ी दिन हो गए, मैं जो है उनको कुरियर नहीं बल्कि पर्सनली मिलके देना चाहता, तो हम लोग एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे रास्ते में हाईवे, क्योंकि मेरा घर और उनका घर जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट लकीली ही स्टेज इन महाराष्ट्र ओनली, तो वहाँ पे मैं उनको एक जगह पे मिलके जो है कहीं पे हाईवे पे मिलके वो देने वाला हूँ। तो लेके चलता हूँ आपको हार्दिक के पास, उनका एक्सपीरियंस देख लीजिए कैसा है, क्या खुशी है उनके चेहरे पर, और फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे आगे की। तो गाइज़, हम लोग अभी है हार्दिक पाटिल के साथ, और हार्दिक जो है उनका बहुत बहुत पहले बात तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे इसमें वीडियो के अंदर, हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर है और अपने चैनल आप लोग के जैसे ही जो है वीडियो देखते हैं। और ये जो है आईफोन 11 का जो हमारा गिव अवे था लेटेस्ट शॉप वाला, तो उस टाइम पे मैंने लाइव वीडियो करके विनर पिक किया था, तो हार्दिक का जो है वहाँ पे नंबर आ गया था लकी ड्रॉ में। और इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा आधा रास्ता मेरे तरफ आइए, मैं आधा रास्ता आपकी तरफ था, क्योंकि मैं इनको मिलके पर्सनली जो है वो देना चाहता था और कुरियर नहीं करना चाहता था। ऐसी सील्ड पैक कंडीशन में जो है मैंने इसको रखा है अभी तक। तो हार्दिक से थोड़ा पूछते हम लोग कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखो मैंने तो कभी कोई भी गिव अवे में जब भी पार्टिसिपेट किया मैंने कभी जीता नहीं, और एक 51,000 रुपीज़ का मोबाइल आईफोन जो है जीतना ये एक बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे हार्दिक से थोड़ा पूछते हैं। पहली बात तो हार्दिक, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और आप कहाँ रहते हो पहले बताओ? विरार। विरार में रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। और जब आपने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे आपको लगा था कि आप जीतोगे कि नहीं? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं बस सुबह सुबह उठ के मतलब आपके डिलीवरी देखता हूँ, आपके वीडियो 9-10 बजे के बाद आते हैं, तो मैं सुबह सुबह आपका वीडियो देखा, तो मैंने डायरेक्टली वो ऐप डाउनलोड किया आपके लिंक से, मतलब शॉपिंग कर डाले आपसे जी फ्लिपकार्ट से। ओके, तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगा था कि आप बोला ट्राई करते चलो ऐसा? हाँ सर, मैंने भी मतलब मेरा फर्स्ट गिव अवे था, मैं फर्स्ट इधर का आपका मेरे बहुत सारा वीडियो देखा है पहले। ओके। भी आपने गिव अवे किया था जी, लेकिन उस टाइम पे कभी आपका लगा नहीं अभी? नहीं लगा। नहीं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप यूट्यूब पे तो मेरे चैनल के अलावा भी दूसरे चैनल देखते होंगे आप, है ना, टेक्नोलॉजी के इसके उसके देखते होंगे, तो गिव अवे आप लोग को जो एज अ ऑडियंस व्यूअर जो है आपको लगता है कि गिव अवे जो करते हैं चैनल, तो आपको ऐसा क्या लगता था कि सही है या फेक है या ऐसे ही बस हाइप क्रिएट करते हैं, कैसा लगता है? नहीं सर, सही है, बिकॉज आप जेन्युइन आपका मेरे जिस दिन मेरा नंबर लगा उस दिन दूसरे दिन आपका मेरे को मेल आया। हाँ नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा, मतलब आप वो दूसरे चैनल्स पे भी गिव अवे होता है। हाँ। सब लोग जेन्युइन ही करते हैं, लेकिन एक ऑडियंस के दिल में रहता है ना कि अरे यार गिव अवे तो फेक ही करते हो, क्योंकि मुझे किसी ने एक बार क्या बोला था इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे याद है जब मैंने बोला था कि लेटेस्ट शॉप का जो आईफोन 11 है इसका गिव अवे विनर मैं अनाउंस करूंगा थोड़े दिन में, तो किसने लिखा था अरे आप तो अपने रिश्तेदार को ही दे देंगे वो चीज़, मतलब आपके कोई रिलेटिव को दे देंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ चैनल्स होते होंगे, या आप लोग को ऐसा दिल में था कि नहीं यार फेक भी हो सकते गिव अवे? नहीं सर, बाकी का मालूम नहीं, लेकिन आप सर जेन्युइन है आपका मेरे को मालूम है आप। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आपको जब भी पता चला कि आप जो है ये आईफोन 11 गिव अवे में जीते हो, तो उस टाइम पे आपको मतलब रिएक्शन कैसा था, फीलिंग? वो लाइव वीडियो आपने देखे थे क्या? टाइम लाइव वीडियो में नहीं था, मैं मतलब बाहर गया था। अच्छा, तो मैं आपका जब भी मेल आया ना, तो भी मैंने वीडियो चेक किया और मेरे पूरा हाथ पैर कांप रहे थे। अच्छा? सोचो बोला मेरे को लगा कि बोलता क्या है क्या है, तो मैंने दूसरे मतलब दोस्तों से कन्फर्म किया मतलब सही है कि नहीं आपका मेल फॉरवर्ड किया, और मतलब मालूम पड़ा मेरा ही, फिर मैंने आईडी मेरा चेक किया, तो मेरे को लगा मेरा ही है, तो मैंने मतलब आपको मेल का रिप्लाई दे दिया। ओके, तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने देखा मेल जब भी आपको कंफर्म हो गया कि मतलब आप जीत गए आईफोन 11 जो है आप विनर हो गए, तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले किसको बताया और उनका क्या रिएक्शन था जिनको बताया? सर मैंने पहले मेरी मम्मी को। अच्छा, पहले मैंने फादर को बताया, फिर मम्मी को बताया, मेरे सिस्टर को बताया। ओके। फिर मेरे दोस्तों को बताया कि मैं मेरे को ऐसा, क्या रिएक्शन था? मम्मी बोलती नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, बोलते okay. झूठे। मैं बोला कि मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ। मैं बोला कि फिर आप घर पे आओ देखो। okay. मम्मी okay. मेरी बाहर गई थी, पापा भी मेरे बाहर थे, तो मैंने उनको दिखाया वीडियो। ओके ओके, तभी मेरा मालूम पड़ा कि मेरा ही नाम था। इसके लिए मेरे को लगता है कि मैं आपको जब पहले बोल रहा था कि आओ लेने के लिए, तो आपके मम्मी आपको मना कर रहे थे जाने के लिए, तो इस वजह से करो अरे कोई कुछ फंसा देगा कुछ फंसाने का नहीं सर, मतलब कैसा अभी लॉकडाउन कोरोना का इशू है, इसके लिए सेफ्टी के लिए थोड़ा। हाँ ओके, सही है सही सही। तो बहुत पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरी बात है थैंक यू कि आप दूर से आए, और जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा जो चैनल है उसमें आप जो ऑडियंस है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप में से किसी को मिला, और भी जो हमारे गिव अवे है मैं ऐसे ही चाहूँगा कि किसी को पर्सनली अगर मैं दे सकूँ तो, क्योंकि अपना इंडिया तो बहुत बड़ा है। हाँ। हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं, अभी आप लकीली महाराष्ट्र से थे और आसपास से ही थे, तो आपको जो है मैं हाथ से अपने दे सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हार्दिक एक लास्ट सवाल पूछता हूँ देने के पहले, बहुत लोग बोलेंगे भाई दे रहे ही नहीं, हाथ में सिर्फ दिखा रहे। आप जो ये फ़ोन है
तो आपके पास अभी पहले से कौन सा फ़ोन था जो आप यूज़ करते थे? क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन पे मैंने देखा एंट्री, उसमें आईफोन ही था शायद आपके पास। कौन सा आईफोन यूज़ करते हैं? आईफोन 11 ही। आईफोन 11 यूज़ करते हैं। आपका वीडियो देखकर से मैंने लिया था। चलो देखो, अभी जिसके पास आईफोन 11 है उसको ही नसीब से जो है और एक मिल गया। तो अभी ये आईफोन 11 का आप क्या करेंगे? आप रखेंगे कि इसको सेल करेंगे या किसी को देंगे? मैं मेरे मदर ने तो फादर को, दोनों में से एक को दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है। हर किसी का ड्रीम होता है कि अपने पेरेंट्स को भी जो है आईफोन दे। और तो हार्दिक, मैं आपको ये जो है आईफोन 11 देता हूँ। ये आईफोन 11 जो है आपका हुआ। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और आपके मम्मी को, फादर को, जिस किसी को भी आप देंगे उनको भी जो है मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और सर, मैं और चाहूँ सर आप और गिव अवे लाएं और दूसरों को मतलब चांस मिले मिलने का, क्योंकि मैंने सर कमेंट्स पढ़ा। हाँ नहीं, बहुत लोग डिजर्विंग होते, लेकिन जो हमारा जो तरीका होता है कि एक जेन्युइन तरीके से, अभी आप भी थे और दूसरे लोग भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप जिसका नसीब में वो चीज़ थी, जिसका लक था वो उनको मिलना था। अब वो लक जो होता है वो अभी ये देख के नहीं आता कि किसी के पास है नहीं है। मेरे को और खुशी होती कि अगर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अभी आपके नसीब में था तो वो आपका है। अच्छा, एक और मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ। मेरे दिल में थी एक क्वेश्चन कि आपने कितने रुपए की शॉपिंग की थी उस एप्लीकेशन से जब गिव अवे में पार्टिसिपेट की? सर मैंने सिर्फ 170 रुपीज़ की पार्ट 170 रुपीज़। और आपने क्या चीज़ मतलब फ्लिपकार्ट से खरीदा था? फ्लिपकार्ट से खरीदा, मैंने मोबाइल का ग्लास ही मंगाया था, मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने आईफोन 11 का मंगाया था जिनके पास ऑलरेडी था। लेकिन 170 रुपीज़ खर्च करके इनको जो है वो चीज़ मिल गया, एक नसीब की बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और मैं चाहूँगा आप लोग भी जब आगे कोई गिव अवे हो तो पार्टिसिपेट कीजिए उसमें ज़रूर। मैं आपको अपने हाथों से वो दे सका तो देना चाहूँगा। थैंक यू वंस अगेन हार्दिक, और संभाल के जाइए आप घर पे। और सर को सिर्फ फॉलो करो, शेयर सर का वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब जगह पे मतलब शेयर कर दो वीडियो। थैंक यू, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के। आपके भी जो वसई है एरिया बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे भी आप लोग बता रहा सब सर कभी भी हमारे जरूर जरूर जरूर। ओके हार्दिक, थैंक यू। तो गाइज, आ गए हम लोग वापस अपने स्टूडियो में हार्दिक से मिलके, और आपने देखा कितने खुश थे वो। लेकिन यहाँ पे नसीब मानना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक आईफोन 11 है, फिर से उनको एक आईफोन 11 मिल गया। तो यहाँ पे कम्प्लीटली नसीब का खेल है। और जब भी कोई गिव अवे होता है तो आप लोग पार्टिसिपेट करो, हमारे चैनल पे भी करो, दूसरे जो जेन्युइन गिव अवे करते हैं वैसे चैनल पे भी करो, हो सकता है आप भी जीत जाओ। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई फोन हो ना हो, आईफोन 11 हो, 12 प्रो मैक्स भी हो सकता, लेकिन अब उनका नसीब था, वो डिजर्विंग थे क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको देना जो है यहाँ पे बनता ही था, चाहे आईफोन 11 हो या कोई भी उनके पास आईफोन होता। और यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि वो भी अपने पेरेंट्स को वो चीज़ प्रेजेंट करके उनका भी दिल खुश कर सकते हैं इस चीज़ से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे चैनल के थ्रू एक सब्सक्राइबर को जो है ये गिव अवे का प्राइस हम दे सके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आगे हमारे चैनल पे या पहले जो चल रहे गिव अवे उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती कि हमारा चैनल अगर एक जरिया बनता है किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आने का, तो मैं जो है उसके लिए अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल समझता हूँ और बहुत ही जो है खुशी भी होती है मुझे उससे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो आज का हमारा पसंद आया होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।